नमस्कार, मैं हूं मिंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम अपराध। यूपी के कन्नौज में हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की ने तेज धारदार हथियार से अपने पिता की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने जो हरकत की उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मृतक अजय पाल जिले के सौरिक क्षेत्र में सचिव के पद पर तैनात थे। उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनकी 16 वर्षीय बेटी निधि ने रात करीब 2 बजे अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां उसने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद वो अपने भाई को मारने के लिए हथौड़ा लेकर उसके कमरे की ओर गई, जहां सुबुगाहट होने पर भाई की आंख खुल गई। उसने जब घर का नजारा देखा तो शोर मचाने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घर में आ गए, उन्होंने निधि को पकड़ लिया। इसके बाद जब लोगों ने पास के कमरे में जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा अजय पाल के गले में कट का निशान लगा हुआ है और वह मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की शुरुआती जांच पड़ताल कर आरोपी निधि को अपने साथ कोतवाली ले आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी निधि को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में वो अभी तक पुलिस को कुछ भी साफ साफ नहीं बता रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की जांच में पता चला है कि नाबालिग लड़की का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जहां लड़के के कहने पर उसने अपने पिता की हत्या की है। बता दें, अभी पुलिस टीम हत्या की मुख्य वजह क्या है इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। अपराध में अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।